हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्वेता और आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सो वी डिस्कस सर्टन केस लॉस रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेटेड मूवी कि एग्जैक्टली ये केस लॉ कहता क्या है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस टॉपिक आया कहाँ से है। इसका बेसिक ग्राउंड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें से ये दोनों टॉपिक आए हुए हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बट बिफोर लुकिंग फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वी नीड टू नो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो हम स्टार्ट करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के साथ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब होता है कि थ्योरी और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब प्रिज्यूम टू बी नोन। अगर कोई इंसान किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उस इंसान को इस कंपनी के बारे में सब कुछ जानना होना चाहिए। कंपनी ये प्रिज्यूम करेगी कि दैट पर्टिकुलर पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। हाउ मच कंपनी इज स्पेंडिंग, वॉट इज द मेमोरेंडम एंड वॉट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड वॉट आर द गाइडलाइंस दैट सेज अबाउट द कंपनी। तो ये प्रिज्यूम करेगी कंपनी कि ये इंसान को इस कंपनी के बारे में सारी नॉलेज डिटेल में है। ही एंड शी नोज एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। नाउ यू मस्ट हैव हर्ड द लैटिन टर्म नॉरेंशिया जुरिस नॉन एक्सिक्यूट, मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो अभी इस कंपनी में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ही और शी शुड नो एवरी डिटेल ऑफ द कंपनी। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं जानते हैं कंपनी के बारे में या कुछ भी डिफॉल्ट होता है उनसे, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ या इग्नोरेंस ऑफ ऑल द फैक्ट्स विच आर ऑलरेडी मेंशन इन द कंपनी वो एक्सक्यूज़ नहीं किया जाएगा बाय द कंपनी। सो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में या जो भी कंपनी से डायरेक्ट डील कर रहे हैं, दे शुड नो एंड दे शुड बी नोन टू हैव ईच एंड एवरी नॉलेज अबाउट द कंपनी। ओके, नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आया है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में। ये दोनों जो बुक्स है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम टू नो व्हाट इज देयर इन द कंपनीज मेमोरेंडम एंड इन द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नोन बाय द पीपल इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। ओके, नाउ व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। नाउ इट सीक्स टू प्रोटेक्ट कंपनीज अगेंस्ट द आउटसाइडर। इसका ये काम है कि ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटसाइडर। इफ एनीवन इज इन्वेस्टिंग इन द कंपनी एंड कोई भी डिफॉल्ट होता है तो वो कंपनी पे ब्लेम करता है कि कंपनी ने हमें इस बारे में बताया नहीं है, इवन दो उन्होंने मेमोरेंडम में आर्टिकल में ये चीज़ें मेंशन की है, फिर भी वो कंपनी को ब्लेम करता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस तब आता है लाइमलाइट में जब वो कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, यानी इट सीक्स टू प्रोटेक्ट कंपनीज अगेंस्ट द आउटसाइडर। ओके, नाउ लेट्स सी द केस लॉ। केस लॉ सेज कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंता रामामूर्ति, AIR 1934, मद्रास 579। ये केस में डिटेल की तरह से बताया है कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड हाउ इट हैज़ कम फ्रॉम द केस लॉ। नाउ लेट्स सी व्हाट दिस केस लॉ सेज विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेटेड मूवी। चलो, हेलो, आई एम इंटरेस्टेड टू परचेज द बॉन्ड्स ऑफ योर कंपनी। वेरी वेल मैडम, प्लीज बी सीटेड। यस मैडम, आई हैव मेड द पेपर्स एंड इट इज साइन बाय सेक्रेटरी एंड वर्किंग डायरेक्टर्स। द मॉर्गेज डीड एंड बॉन्ड ऑफ रुपीज 1000। ओके, थैंक यू। व्हाट हैव यू डन? द प्लेंटिफ हैज सूड अस इन द कोर्ट। यू डू नॉट नो दैट Article of Association says that three officers should sign deed such as bond and mortgage deed. You have made a big mistake. Yes, all deed, hundis, cheques, certificate and other instrument shall be signed by managing director, the secretary and the working director on behalf of the company and shall be considered valid. I have taken the mortgage bond deed of this company of rupees 1000. Now they are denying to it and making this void in its inception. But it is ultra vires to our article of association which says that bond need to be signed by secretary, working director
together to make it valid. But it is a deed in accordance with the powers and authority possessed by the said directors and the secretary under the article of the said company, and the special resolution has been passed. So we can assume that all necessary steps has been taken. Article of Association specifies that the deed like such requires execution by 3 specified officers of the company, and by that it is presumed that the mortgagee must be aware of the Article of Association of the company, and by that she would have refrained advancing her money in such bond execution. Therefore, since the plaintiff didn't act prudently and dodge its duty to read the documents, the doctrine of constructive notice will apply and the mortgage deed will be considered as an incomplete document. Now, this was the important case law with regards to doctrine of constructive notice, which was Kotla Venkata Swami versus Chinta Ramamurthy. Okay, I hope you all understand the case law. Hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. Also, do not forget to hit the bell icon which is just above your subscribe button, ताकि जब भी मैं नई वीडियोज़ डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले. Also, do not forget to see the second part of this video which is Doctrine of Indoor Management. Stay updated, stay tuned. Thank you.